हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि थर्टी थर्टी वन के अराउंड होंगे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे तो आप इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज कीजिए आप ये देखिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे देखिए सबसे पहले हम बात करते कि हु इज रिगार्डेड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है एडम स्मिथ हैं तो आप इसके बारे में पढ़ लेना ये सेवनटीन सेवनटी सिक्स है सत्रह सौ छहत्तर है ठीक है ना सेवनटीन सिक्सटी सिक्स नहीं है क्योंकि एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कोजिज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रिगार्डिंग एज द फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंशिव बुक ऑन द सब्जेक्ट ठीक है तो किस सब्जेक्ट की ये सबसे पहली कॉम्प्रीहेंशिव बुक थी जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी इट इज़ ए फंडामेंटल वर्क इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स विस डील्स विद टॉपिक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात की गई थी प्रोडक्टिविटी फ्री मार्केट्स तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया था उसके बाद हम देखते हैं कि विद रिगार्ड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में दोनों में करेक्ट आंसर आपको देखना है तो इसको पढ़िए एक बार किन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समस्ती अर्थशास्त्र के अंदर हम एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं एट द लेवल ऑफ नेशन यानी कि एक नेशन के लेवल पर मेजर्ड वेर एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर हम क्या लेते हैं कि मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो नेशन लेवल पर जो गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन उसको इसमें इंक्लूड करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फैक्टर की इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर स्टडी इन चीज़ों की हम बात करते हैं बिल्कुल करेक्ट है दूसरा देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट इट्स और सेक्टूटरी बॉडीज लाइक आर वेयर वेर एज पॉलिसीज कंसरिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिकूड बाई इंडिविजुअल एजेंट्स ये गलत है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत और फर्स्ट क्या हमारी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा एक ठीक है ना तो फर्स्ट जो है ए आंसर इसका करेक्ट होगा इसके अंदर आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि पहले वाली तो वही बात है कि क्या आ, सही है दूसरे वाले देखिए इनकरेक्ट क्यों है किन इनकरेक्ट एज एज अदर देन इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाई इंडिविजुअल एजेंट्स ठीक है सच एज हाउस होल्ड्स हो गया ऑटोमोबाइल्स कंपनी हो गई कंपनी हो गई द एक्शन ऑफ एंटायर सेक्टर सच ए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आर आल्सो स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज आल्सो गोन बाय द स्टेट एंड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ लाइक आरबीआई तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करना क्योंकि यहाँ पर देखिए करेक्ट पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट उसके बाद है कि एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जॉन मेनार्ड मेनाड किन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से फिजियोक्रेट्स जो है ये एक तरीके से यहाँ मैच नहीं है तो पहले दोनों सही हैं थर्ड वाला इसमें गलत है तो इसमें अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो देखिए ये हिंदी में है ठीक है तो आप इसको एक बार देख लेना अगर थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो उसके बाद देखिए जो फिजियोक्रेट्स हैं वो किस से रिलेटेड uh, है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ना कि सोशल इकोनॉमिक्स से ठीक तो ये ध्यान रखना है आपको उसके बाद आता कि मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करनी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मेन सर इकोनॉमी मेयर है आप सभी जानते हो मिक्सड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वही है कि देर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर तो आंसर हो जाएगा इसका बी पहले वाला क्यों नहीं है कि बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रोमोटेडी है तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलोंग विद हैवी इंडस्ट्री इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय मिलिट्री ये भी गलत है तो आंसर जाएगा इसका बी उसके बाद आप देखिए एक सेकेंड रुकी हाँ हमने कर लिया है वो उसके बाद आपने देख लिया फोर्थ क्वेश्चन मिक्सड इकोनॉमी का उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर फिफ्थ वो क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपका है ना टॉपिक ये तो इसमें क्या आएगा आपका मिक्स इकोनॉमी पहले आपका देखिए जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप इसमें किस तरीके की कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी ठीक मार्केट इकोनॉमी और फिर उसके बाद मिक्सड इकोनॉमी तो इस तरीके की इनकी सिर्फ आपको क्या करना है इनके अजमसन के बारे में जानना तो इसमें इन्होंने पूछा इनकरेक्ट ठीक है इनकरेक्ट कौन सा है तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारा रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है तो ठीक है ये पहले वाला सही है बिल्कुल कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी बिल्कुल करेक्ट है तो ये इसकी डेफिनेशन है उसके बाद इन मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती हैं तो इसमें क्या कि मार्केट इकोनॉमी कैसी है सेंट्रल प्रॉब्लम रिगार्डिंग हाउ मच एंड वट टू प्रोड्यूस कितना करना है क्या करना है ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसके द्वारा सोल्व की जाती हैं डिमांड और सप्लाई के द्वारा सोल्व की जाती हैं आर सोल्व थ्रो द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही होती है जो डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं ब्रॉट अबाउट बाय द प्राइज सिग्नल उसके बाद है यहाँ पर कि इन मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होगी मिक्स इकोनॉमी सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी गलत बात है क्योंकि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं तो इसलिए सी ही रॉन्ग हो जाएगा और ये तीनों के तीनों क्या हैं सही हैं तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका सी उसके बाद हम चलते हैं वही यहाँ पर आप देख लेना इसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या होता है ठीक है और उसके बाद आपको आगे बताया हुआ है इकोनॉमी हाँ मतलब के, के बारे में हमें बताना है कि कौन, मतलब ये इन करेक्टरिस्टिक्स को आपको देख कर ये बता रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी है फर्स्ट है कि देर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मेन्स ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ से प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट या फिर आपने अभी देखा कैपिटलिस्ट की बोलो या मार्केट इकोनॉमी बोलो या परफेक्ट कंपटीशन बोलो ठीक है तो प्राइवेट ओनरशिप वहीं पर हो गई तो एक तो ये बात फाइंड आउट हो गई प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट ठीक है तो उसके बाद है देर इज सेल एंड परचेज ऑफ अबाउट सॉरी सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस एट द प्राइज विच इज कॉल द वेज रेट जिस भी प्राइज पर आप लेबर को परचेज कर रहे हो सेल और परचेज की जा रही है उसको हम वेज रेट बोलते हैं तो सारा काम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है तो ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ विशेषताएं हैं आप जरूर पढ़ना अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो यहाँ से भी छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप कवर कर लोगे इसके अंदर क्या होता है द गिवन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऊपर वाली जितनी भी विशेषताएँ दी हुई है। हैं वो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिखाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टाइप ऑफ इकोनॉमी ये इकोनॉमी का ही टाइप है ये क्या इसकी कुछ विशेषताएं नीचे दी हुई हैं दे इन कैपिटलिस्ट इज प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है ऑफ यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ड्राइवन बाय द मोटिव यानी कि जो भी उत्पादन का इनका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है प्रोफिट मैक्सिमम करना होता है प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट उसके बाद इन सच इकोनॉमी इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस वही ऊपर वाली बातें यहाँ पर दे हुई है कुछ अलग होता है आप देख लेना थोड़ा सा इसकी कुछ और विशेषताएं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिनिमल और या नो एक तो क्या है कि यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होगा या फिर नहीं इंटरवेंशन होगा इसको फ्री मार्केट लेजिस्फेरी फेर इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं उसके बाद है कि द वर्किंग ऑफ द प्राइज मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसके अंदर क्या है कि जहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी हो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करती हैं उसके बारे में कुछ बताना कि नीचे कौन सी पॉइंट्स है वो जो इस बात को क्लियर करता है तो फर्स्ट ये कि द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अब ये इन्फ्लेशन की बात है ठीक है नीचे इन्होंने प्रो, प्रो, प्रोपेंसिटी की बात की हुई है फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की हुई तो पहले वाले ही आजमसन जो है ना वो या जो विशेषता वो इसके साथ जाएगी तो इसको अगर स्टडी करना चाहो तो कर लेना ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन आज भी इसकी जरूर देख लेना यदि आप ये सारी की सारी जो भी जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी यहाँ पर थ्री हंड्रेड प्लस रहेंगे अराउंड फोर हंड्रेड के तो ये क्वेश्चन से आपके जितना भी इंडियन इकोनॉमी से या फिर जो भी आपका एनसीआरटी से आएगा ना वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है जहाँ पर ना इधर एक्सपोर्ट और नो नोर इम्पोर्ट एक्सप्लेस ना तो एक्सपोर्ट होता हो ना ही इम्पोर्ट होता है उसको हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं अब ये देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है ठीक है तो आप इसको भी थोड़ा सा एक बार अगर वहाँ से कुछ चीज़ समझ में नहीं आती ना तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो जैसे था ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था सिद्धि गई विशेषताओं द्वारा तो दर्शा गया नीचे यहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता उत्पादन के जो साधन होते हैं लाभ आने के मकसद से संचालित होते यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम करते हैं वो उत्पादन बाजार में उत्पादन बेचने के लिए होता है यानी कि उत्पादन जो है ना बाजार में बेचने के लिए होता है ठीक है ना मार्केट में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है तो ये है कुछ उसके बाद ये क्लोज इकोनॉमी की बात बताई जा रही है आप सभी जानते हो क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी एक इकोनॉमी एक होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड्स अब देखिए अब आप आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है आप इनको सारी चीज़ों को लिख लेना कि देखिए एक प्राइमरी सेक्टर होता ठीक है ना एक सेकेंडरी सेक्टर होता है एक ट्रसरी सेक्टर होता तो इन सेक्टर में तीनों में क्या क्या आता है ठीक है जो डिवीजन किया हुआ ना ये पी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको आप जरूर करके जाना अब इन्होंने पूछा कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा तो लार्ज इंडस्ट्रीज भी होंगे मीडियम इंडस्ट्रीज होंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगे रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज नहीं होंगे ठीक है ना जो सेल और परचेज की बात करते हैं इसमें तो जैसे हाउस ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये रियल इस्टेट नहीं होंगे ये सर्विस सेक्टर में चला जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर डज नॉट इंक्लूड रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज इट इंक्लूड दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इन टू ए फिनिश वूड इनकी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम एक नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रो मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इस मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके उसका ठीक है द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एस दर स्टील टेक्सटाइल ये सारी चीजें आ जाएंगी कि स्मॉल मीडियम लार्ज इसमें इन्होंने बता दिया स्टील टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा ये सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे रियल इस्टेट जो है ये इसमें आएगा सर्विस सेक्टर में ट्रेसरी सेक्टर में ये जर्नली इंक्लूडेड पार्ट ऑफ ट्रसरी सेक्टर आगे वाले क्वेश्चन को आप सभी जानते हो किस में पूछा गया जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा गया तीन सेक्टर हैं तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का ठीक उसके बाद है जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है या फिर एग्रीकल्चर आप बोलते हो तीसरा है जो सर्विस सेक्टर है ट्रसरी सेक्टर है तो इसमें ए, क्या लिखा मैंने दोबारा लिखते सबसे ज़्यादा जो है ना पहले मैंने ध्यान नहीं मैंने क्या लिखा सबसे ज़्यादा जो रोल है प्राइमरी सेक्टर का ठीक है ना फिर उसके बाद है इसके सॉरी सॉरी सोरी, सोरी सो, जी में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ठीक है ना जी में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का ठीक उसके बाद आता है जो सेकेंडरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर एस एस का मतलब सर्विस सेक्टर या फिर मैं यहाँ पर ट्रसरी सेक्टर लिख देती हूँ ठीक दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर आता है आपका जो भी प्राइमरी सेक्टर है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है तो ये इस तरीके से सीक्वेंस ध्यान रखना अगर एम्प्लॉयमेंट में पूछता तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर हम जिसको प्राइमरी सेक्टर ठीक प्राइमरी सेक्टर में दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर है और तीसरा आपका नर्सरी सेक्टर है तो इसमें आप देखना कि सबसे ज़्यादा ये आएगा इसमें सर्विस फिर इंडस्ट्री फिर इसका तो आंसर हो जाएगा बी ठीक तो जैसे इन्होंने लिखा भी है अकॉर्डिंग टू आर बी आई देखिए ध्यान रखना कि आर बी आई के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने एस्टिमेट लगाया है दो हजार इक्कीस में अस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो ये है तो पहले एग्रीकल्चर का बीस पॉइंट उन्नीस इंडस्ट्री का पच्चीस और सर्विस सेक्टर का फिफ्टी थ्री फाइव फिफ्टी थ्री पॉइंट एट नाइन लगभग अराउंड कितना है फिफ्टी फोर के पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर डिफरेंस डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ विश द फॉलोइंग यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम किस आधार पर अलग करते हैं तो उनको हम अलग करते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट नहीं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस ठीक है ना तो उनकी ओनरशिप के आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप एंटरप्राइजेस तो ये ध्यान रखना है इसके आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट करते तो ये कुछ लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा आप देख लेना इसमें कि क्या बताया हुआ है इसमें उसके बाद आप देखिए कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है हाँ ये ध्यान रखना कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ये जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है 2017 में पूछा गया था ठीक है ये क्वेश्चन तो ये भी कुछ ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए ये एन का ठीक है चैप्टर टू और ये आपका टेंथ क्लास का नई एन में से अब इन्होंने पूछा कि कमसेट द फिल्म कुछ स्टेटमेंट नीचे दी हुई है उनमें से आपको करेक्ट बताना है प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड कोल्ड टू बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक यानी कि ये सब जितना भी जितने भी प्रोडक्ट uh, हैं उन सब का क्या एक तरीके से बेस है सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वी गेट आर फॉर्म एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर से डायरी से फिशिंग फॉरेस्ट्री सेक्टर इज आल्सो सो द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर ठीक है तो जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो यहीं से आते हैं दोनों ही चीज़ें ठीक है बोथ आर करेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा सी तो इसमें दिया हुआ है कि वेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय गुड बाय एक्सप्लोइिंग नेचुरल रिसोर्स यानी कि हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करते हैं इट इज़ एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर की है इट्स फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट का यही बेस है मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वही ऊपर वाली चीज़ें दी हुई हैं इसमें ठीक है कुछ अलग नहीं है उसके बाद ये चैप्टर नंबर सेकेंड है क्लास टेंथ है न्यू एन सी आर टी का कंसिड द फ्लोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपको करेक्ट बताना कि करेक्ट है कौन सी है फर्स्ट है कि ट्रसरी एक्टिविटीज यानी कि जो तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है बाय देन सेल्फ डो नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है कोई वस्तु तो का उत्पादन थोड़ा करता है बट दे आर एन एड एड और स्पोर्ट्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस लेकिन ये सपोर्ट करता है देखिए कम्युनिकेशन हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया बैंकिंग सर्विस हो गई तो ये आपको कोई उत्पादन करके नहीं देते लेकिन सपोर्ट करते पैसे चाहिए तो आप बैंक से ले सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें जैसे ट्रांसपैट बेंक, ट्रांसपोर्ट बैंकिंग स्टोरेज कम्युनिकेशन तो ये सारी चीज़ें है ना हेल्प करती हैं उत्पादन में तो बोथ आर करेक्ट तो यहाँ पर हो जाएगा सी ये नीचे दिया हुआ वही चीजें जो ऊपर बताई हुई हैं तो इसको एक बार हल्का हल्का एक बार जरूर पढ़ लेना जैसे क्वेश्चन दिखा था ना कि जो प्राकृतिक उत्पाद हैं हमें मिलने वाले दिकांस प्राकृतिक ही नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कृषि डेयरी मछली पकड़ने वानी की से ये सारी चीजें उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोरटीन क्या है कि यूजुअली हम देखते हैं यूजुअली विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह करेंगे जब भी किसी देश का विकास होता है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जी डी पी रिड्यूस होता डिक्लाइन करता द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर बिकम डोमिनेंट तो जो सर्विस सेक्टर है उसका जो शेयर है वो डोमिनेंट हो जाता है आपको आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मतलब ये बात सही है बट ये रोंग है उसके बाद एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट जब एक ऊंचा लेवल होता है हमारा विकास का द इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूश मोर तो वो करें कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो हमारा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देता है जीडीपी पे जीडीपी सॉरी जीड़ी, सर्विस सेक्टर के कंपेरिजन में ठीक लेकिन ये क्या है दोनों ही रोंग है दोनों ही रोंग हैं अब इस चीज़ को आप देखिए क्यों रोंग है क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते तो सर्विस सेक्टर की बजाय डोमिनेंट होता हमारा कौन सा होना चाहिए कौन सा हमारा क्या बोलते हैं इसको सेकेंडरी सेक्टर ठीक है पहले तो इसलिए रोंग होगी दूसरी जब हम हाई लेवल पर होते हैं तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता कंपेयर किसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के तो इस फोर्टीन को एक बार मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया आ जाए देखिए आमतौर पर यूजुअली का मतलब आमतौर पर आर्थिक विकास के साथ का हिस्सा घरेलू स्कल घरेलू उत्पादन में कृषि गिरावट और हिस्सेदारी सेवा कुछ नहीं वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा गिरता जाता है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता जाता है वही है नीचे जो ऊपर हमने देख लिया कि विकास के जब हाई लेवल पर होते हैं तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के कम औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में यानी कि इंडस्ट्री का ज़्यादा होता सर्विस सेक्टर के कंपेरिजन अब नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि देश का आर्थिक विकास आमतौर पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों की विशेषता तो वो करे कि जब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते तो स्ट्रक्चरल चेंज के काम से ऐसा होता है कि हमारा विकास हो रहा होता है जब हम फर्स्ट स्टेज में होते हैं डेवलपमेंट की तो एग्रीकल्चर का हिस्सा घटता है जबकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हावी हो जाता है वहाँ पर क्या लिखा हुआ था सर्विस सेक्टर का उसी बात है कि जब हम डेवलपमेंट के हाई लेवल पर होते हैं तो सर्विस सेक्टर अन्य देव क्षेत्रों की तुलना में स्किल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है भारत को आर्थिक विकास के इस पारंपरिक मॉडल के यानी कि देखिए इंडिया का कैसा रहा इंडिया ने क्या किया सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर या हम ये बोले कि प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर पर गए ही नहीं हम सीधा छलांग लगा गए ट्रसरी सेक्टर पर ठीक है जंप कर गए ये शायद स्टेज है कोलिन क्लाक की कुछ ऐसा करके वो भी एक बार कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था तो वो करें कि ये, कि ये होना ऐसा नहीं चाहिए होना ऐसा चाहिए पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस ठीक है फिर आप बिल्कुल पीक पर पहुँच जाते हो सर्विस सेक्टर की ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फिर इंडस्ट्री का फिर ए, मतलब जो आपका है लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम देखें तो 1950 में जो इंडिया में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था 50 परसेंट था मैं लगातार गिरावट गिरावट आ रही है ठीक है लगातार ये गिरा तो ये एक अपवाद है ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो मतलब वही बात, बात बोली गई है जो आपने भी हिंदी में पढ़ी है उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर इन्होंने पूछा करेक्ट पहले तो ये देख लेना कि करेक्ट पूछा गया है इनकरेक्ट इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी तो वो कह रहे हैं कि देश में मतलब इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी तो वो करेंगे जब उसमें कंट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वस्त और सेवा का उत्पादन भी बढ़ेगा इट इम्प्लाइज आइदर ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट बैंकिंग और इंक्रीज इन एफिशिएंसी वो ये कि अगर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी ठीक है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी उत्पादकता तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी देखिए यहाँ इन्होंने बोला किट इम्प्लाइज आई दर ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल यदि आपके पास प्रोडक्टिव कैपिटल ज्यादा है उत्पादन करने लायक पूंजी ज्यादा है तो लार्ज साइज ऑफ स्पोर्टिंग सर्विस तो वो करेगी जो और लार्ज साइज स्पोर्टिंग सर्विस है लाइक ट्रांसपोर्ट बैंकिंग ठीक है और इंक्रीज इन द एफिशंसी ऑफ प्रोडक्टिव तो आपका मतलब जो भी है एफिशियंसी इनक्रीज करेगी और सर्विस इंक्रीज करेगी इन दोनों ही करेक्ट है तो नीचे चलते एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता ये क्वेश्चन है 15 कि देखिए क्या बोला इन्होंने कि यह है वस्तु यानी कि क्वेश्चन नंबर एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए कि यह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में की क्षमता वृद्धि को संदर्भित करता है ठीक है यह वस्तु और सेवाओं की आर्थिक विकास जो होता है यह वस्तु और सेवाओं के यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे क्या होता गुड्स सर, और सर्विसेज जो है वो उनकी मतलब एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ती है दूसरा है कि उत्पादक पूंजी यानी कि जो प्रोडक्टिव कैपिटल का एक बड़ा भंडार है या परिवहन और बैंकिंग जैसी सहायक सेवाओं का एक बड़ा आकार है या दक्षता में वृद्धि उत्पादक पूंजी और सेवाएं वही है मतलब ये सारी चीज़ें तो वो करें कि, सारी कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इंटरलिंक हैं किए होंगे तो ऐसा सारा सिस्टम सही से चलेगा तो देखिए ऊपर क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है ठीक इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग तो ये सारी चीजें हैं तो ये मतलब सारी कैपेसिटी ये सब कुछ बढ़ेगा ये मतलब अगर आपके पास कैपिटल स्टॉक होता तो बोथ आर करेक्ट तो आंसर जाएगा सी हम नीचे वही ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी यदि गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन ज़्यादा होगा इट इज एन इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ए स्टडी इंक्रीज इन द जी जी गुड्स और सर्विसेज बढ़ रही है तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा ठीक और ये क्या है कि इंडिकेटर है ग्रोथ का क्योंकि जब गुड्स और सर्विसेज बढ़ते तो उसका मतलब होता है आपका जीडीपी बढ़ रहा होता इट इज कंसीडर एज ए क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव फोम में बढ़ेगा एट मेजर इंक्रीज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल ऑफ सर्विसेज तो आपका कैपिटल स्टॉक भी इंक्रीज होगा <coughs> उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अच्छा अब भी ये क्वेश्चन अभी तक कहीं आए हुए नहीं है अब उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ये तो थी ग्रोथ से रिलेटेड ठीक है ना जो अभी आप पढ़ कर आए ना ग्रोथ से रिलेटेड ये किसे विकास से संबंधित है अब विकास में क्या है डिफरेंस पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट अलग अलग पर्सन के जो है ना डिफरेंट पर्सन कूड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिटिंग नेशंस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट हर बंदे का अलग अलग कन्फ्लिट होता है उसके बाद डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट फॉर वन एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए हो सकता है कि वो नुकसान का सौदा हो तो ये सारी चीज़ें सारी की सारी ठीक है डेवलपमेंट की ये बात की गई है तो इसमें बाकी आप अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में इसमें देखिए कि डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या आ कि अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग और मतलब अलग अलग और साथ अ, साथ ही हो सकते हैं देश के विकास के परस्पर विरोधी उदाहरण है कुछ नहीं है मतलब अलग अलग व्यक्तियों की एक जैसी भी हो सके अलग अलग भी हो सके वैसे ही जोन के गोल्स हैं वो भी अलग अलग हैं एक के लिए विकास है दो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास लक्ष्य होते हैं उदाहरण के लिए भूमि मजदूरों के लिए काम के अधिक दिन यानी कि जो इसके पास जमीन नहीं है वो क्या चाहता कि मुझे अधिक दिन काम करने के लिए मिल जाए बेहतर मजदूरी उसका विकास का लक्ष्य होगा यदि हम यहाँ पर बात करें पंजाब के जो अमीर किसान हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका एम ज़्यादा हो तो दोनों के गोल क्या हैं वो अलग अलग हैं तो ये ध्यान रखना है आपको उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहता है आपको कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो देखिए किसने दिया ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं एक तरीके से तो आप सभी जानते हो कि महबूब मह, हुलक कहाँ के हैं पाकिस्तान के हैं और अभी हम एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जैसे ये वीडियो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एचडीआई और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर वही है कि जो महबूब उल हक हैं इन्होंने इसको पाकिस्तान के ये इकोनॉमिक्ट उन्होंने एच डी आई को डेवलप किया है और इसके अंदर तीन चीज़ों को हम लेकर चलते हैं ठीक है इसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन इनकम तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं विच ऑफ द फलोइंग आर कंसिडर्ड टू विद फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि चार पिलर एच के जो है ना एक मिनट ये एच डी आई से हम इसको नहीं बोल सकते ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें ठीक है ना वैसे तो एच डी आई रिलेटेड है किससे ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है एच डी आई से, से, से? यानी कि एच डी आई के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ही बात की जाती है तो इसके अंदर ये याद रख लेना भाई इक्विटी ये पूछ सकता है आपको ये पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या कवर होता है इक्विटी प्रोडक्टिविटी एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें देखिए मिलती जुलती मिलेंगी फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे इक्विटी प्रोडक्टिविटी एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी उसके बाद चलते हम क्वेश्चन नंबर ये इसके आंसर जो है ये इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसको थोड़ा रीड करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट यानी कि गलत कौन सी है डिफरेंस है किसके बीच में फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में तो फिजिकल कैपिटल इज इनटेंजेबल गलत बात है ना यही पहले वाला ही रहूंगा इसमें एक तो और बाकी देखते हैं हाँ इसमें एक दो में ही देखना आपको मतलब एक एक करके देखना ऐसे नहीं है भाई ऑप्शन ये ए बी सी ऐसा कुछ करके तो फिजिकल कैपिटल क्या है उसको हम इनटेंजेबल का मतलब हो जाए जिसको हम टच करके नहीं देख सकते देख सकते हैं हम तो भाई ठीक है ना तो ये ही रोंग है इसमें फिजिकल कैपिटल कहें भी इजिली सोल्ड यानी कि जो फिजिकल कैपिटल होती है मशीन बेड सोफे ये आसानी से जो मशीनें होती है बिक सकती है मार्केट में

नहीं ले सकता कोई तो इसके सारी चीजें ठीक हैं तो इसका फर्स्ट रोंग था और ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं तो ये ध्यान रखना आप उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन कैपिटल ठीक है देखिए इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है तो कमेटी है ये तपस मजुमदार कमेटी तो ध्यान रखना हो सकता है आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू द स्कीम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल तपस मजुमदार कमेटी है तपस मजुमदार कमेटी रिलेटेड टू द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि द तपस मजुमदार कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1999 पूछ ले कि ये कब मतलब अपॉइंट की गई थी तो 1999 में उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ लिखा है टू लुक इन टू ए इन एजुकेशन द एक्सपेंडिचर उन एजुकेशन यानी कि जो अपर्याप्त खर्च किया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर वे च क्योंकि देखिए एजुकेशन का और एंड डेवलपमेंट का सीधा सीधा एजुकेशन हेल्थ तो ये सारे डायरेक्ट रिलेट करती हैं आपके हुमेन डेवलपमेंट से ठीक है क्योंकि वुमेन uh, वुमेन uh, जो डेवलपमेंट होगा तो तब जाकर वो एक व्युमन कैपिटल बनेगा तो ही एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड रुपीज़ वन पॉइंट थ्री सेवन लैक करोड़ ओवर टेन ईयर्स जैसे कि नाइनटीन एटी एट से लेकर दो हज़ार छः सात तक टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप यानी कि छः से चौदह साल के जो एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं दिस कमेटी रिकमेंडेड दिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर अराउंड सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी यानी कि जी डी पी का आपका छः परसेंट एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए जो कि आज तक भी नहीं है तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल के लिए कौन सी कमेटी है तपस मजूमदार कमेटी ध्यान रखना है इन चीज़ों को और तारापुर कमेटी किससे है तो ये ध्यान रखना कि तारापुर कमेटी किससे ये क्वेश्चन निकाल लेना संथानम कमेटी किससे है बिमल जान कमेटी किससे तो ये मैं करवाए हुए हैं मैंने ये क्वेश्चन तो इनको थोड़ा सा इनको भी अच्छे से पढ़ लेना कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट नीचे दी हुई है और इसमें से हमें देखना कि करेक्ट कौन सी है फिजिकल कैपिटल इज कम्प्लीट मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन यानी कि एक्जट है यानी कि एक्जेंट एक तरीके से uh, कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन है ठीक है ना तो उस एक्सेप्शनल केस को छोड़कर बाकी एक चीज़ को जो भी फिजिकल कैपिटल है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल हाँ यानी कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मुश्किल है क्योंकि कुछ ना कुछ उसके कल्चर के उसकी नेसनैलिटी के जैसे आपको गांव से ही अगर शहर में रहना पड़े तो बहुत सारे जो आपके दादा दादी हैं वो भी जाने के लिए रेडी नहीं होते ठीक है ना क्योंकि वो मतलब ये चीज़ है कि हम तो यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो ये कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो जा नहीं पाते अच्छा अब देखिए तो जारी करता है यू करता डी पी ठीक तो ध्यान रखना आपको यानी कि ए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एच के बारे में पढ़कर ही जाना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड

कि द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ कॉन्सटेंटली इंक्रीज ओवर देन लास्ट फाइव ईयर्स ये ये गलत है ठीक है ये बात गलत है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज़ कॉन्सटेंटली डिक्रीज़ ये भी गलत है देखिए आप कैसे कह सकते हो कि हेल्थ के ऊपर जो है लगातार जो है वो घटता जा रहा है एजुकेशन के ऊपर इंक्रीज़ नहीं हुआ है कॉन्सटेंटली इंक्रीज़ हुआ है लेकिन कॉन्सटेंटली कभी हो गया थोड़ा बहुत कभी नहीं घट भी जाता कई बार लिटरेसी अमंग मेल्स इन नियरली फोरटीन पॉइंट फोर परसेंट हायर देन फीमेल्स एंड इट्स अबाउट सिक्सटीन परसेंट हायर इन अरबन एरियाज एज कंपेयर टू ए रूरल एरियाज ठीक है लिटरेसी रेट जो है मेल्स की नियरली चौदह पॉइंट चार यानी कि साढ़े चौदह परसेंट ज़्यादा है फीमेल से और सोलह परसेंट जो है ना अरबे एरिया में ज़्यादा रूरल एरिया के बजाय तो ये क्वेश्चन सही है करेक्ट है आप नीचे देखते हैं के स्टेटमेंट सी इज़ करेक्ट अबाउट हुमेन डेवलपमेंट एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है इंडिया में रेट एट ऑल इंडिया लेवल पर तो ध्यान रखना कितना है 72.98 परसेंट कितना है 72.98 परसेंट तो इसी में फीमेल जो है वो 64.63 फोर पढ़े लिखे और मेल जो है वो 80.9 परसेंट है ये 64.63 जो है ये देखिए 80.9 परसेंट से अगर आप देखोगे तो 14.4 परसेंट ज्यादा है और दस लिटरेसी अमंग मेल्स इन नियरली 14.4 हाई एरियाज़ फोर्टीन पॉइंट यानी कि गाँव में कितना पढ़े लिखे लोग अराउंड कितने एंड अरबर में कितने लगभग एट्टी फाइव परसेंट तो ये जो एट्टी फोर पॉइंट नाइन एट है अगर इसका सिक्सटी एट पॉइंट नाइन परसेंट निकालोगे तो इनका दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है सोलह परसेंट अब देखिए यहां से आपका आइडिया हो जाएगा कि जो दोनों वाली वो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्यों रोंग थी ये हेल्थ दी हुई है और ये एजुकेशन है। यहां से नीचे से स्टार्ट हो रहा तो आप देखिए अगर आप हेल्थ के ऊपर खर्च देखोगे पहले अड़तालीस था फिर चौवन था इकसठ था सड़सठ था देखिए बढ़ता जा रहा है ना क्योंकि कोरोना के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया तो ये कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर क्या था डिक्रीज था ये इंक्रीज हो रहा उसके बाद देखिए ये सेवेंटी नाइन था एजुकेशन के ऊपर करोड़ फिर एट्टी फाइव था बड़ा फिर नाइन्टी फोर था बड़ा उसके बाद नाइन्टी नाइन था फिर देखिए नाइन्टी थ्री हो गया तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा तो एक टाइम पर ये क्या है डिक्रीज भी हुआ है उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेस्टन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपको क्या कहता है कि असरसन और रिजन दिए हुए इसमें करेक्ट कोड बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एजुकेशन हेल्थ आर इंटीग्रल टू दुमन वेल बींग बिल्कुल ठीक है ये ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड यानी कि जो व्यक्ति रीड कर सकता है राइट कर सकता है द एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ है दे विल बी एबल टू मेक अदर च्वाइस विश दे वैल्यू ये भी बिल्कुल करेक्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी सिक्स है वो क्या आपका करेक्ट है इसको देखिए अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया तो यह दया पाँच कक्षा गर्मी में आपको ये मिलेगा ठीक है मानव विकास पर आधारित विचार के शिक्षा और स्वास्थ्य अभिनन्न है यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है मानव भलाई के लिए केवल जब लोगों की क्षमता होती है पढ़ने की लिखने की और लंबा यानी कि लंबा जीवन जीने लंबा और सबज जीवन जीने की क्षमता वे अन्य विकल्प बनाने में सक्षम होंगे देखिए अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो आप आगे अपने आप ही अपने, अपने अपनी जो है ग्रोथ को एक्सटेंड कर सकते हो तो वही चीज़ें इसमें दी हुई हैं सेविंग एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर सेविंग एनर्जी अदर रिसोर्स फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइंग पीपल यानी कि ये डेफिनेशन है ठीक है ना डेफिनेशन है कि हम अपनी मतलब आज हम इस तरीके से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ सके तो ये किसकी है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने सत्रह टारगेट ने टारगेट कितने वन सिक्सटी नाइन अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्स फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइंग पीपल कंफर्ट

एक सेकेंड कहां ट्वेंटी एट देखिए कंसिडर दोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली सेवेंटीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वुमेन बिल्कुल यानी कि पूरे देश के सत्रह परसेंट पॉपुलेशन यहां पर रहती है ट्वेंटी परसेंट ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पॉपुलेशन होने में टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बिल्कुल लाइफ स्टॉक कितना है पूरे वर्ल्ड का ट्वेंटी परसेंट है और पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर हुमैन जो है खाली हुमेन वो कितने सत्रह परसेंट हैं और हमारा एरिया कितना है ढाई परसेंट है ठीक है ना टू पॉइंट फाइव परसेंट है सी पी सी बी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ आइडेंटिफाइड सेवनटीन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज एंड मीडियम एज सिग्निफिकेंटली पोल्यूटिंग ठीक है तो ये दोनों ही सही है करेक्ट है तो इसका आंसर जाना चाहिए सी राम देखिए, ये यहां पर हिंदी में आप देख सकते हो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उद्योगों की इस तरह श्रेणिया की पहचान महत्व रूप से प्रदूषण फैलाने वाले के रूप में है बड़े मध्यम और ये कुछ चीजें बोली हैं। तो ये देखिए यहां पर इसकी बताया हुआ है ऊपर वाली वही बातें हैं कि करेक्ट है सी पी सी बी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है ठीक है तो ये सी पी सी बी वॉज इस्टेब्लिश नाइनटीन सेवेंटी फोर में दिस बोर्ड प्रिपेयर मैनुअल्स कोड्स एंड गाइडलाइन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द सीवेज एंड ट्रेड इन इन्फ्लुन्स तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई उसके बाद ये uh, बोलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रेटर्जीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है नहीं है इनमें से कौन सी नहीं है तो एस आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये इसके अंदर नहीं है एल एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज़ यूज ऑफ सी एन जी इन अर्बन एरियाज यूज ऑफ सोलर पावर थ्रो फोटोवोलेटाइक सेल्स ठीक है तो ये सारे इको फ्रेंडली है ये कैसे सारे के सारे इको फ्रेंडली है तो अब यहाँ से पढ़ लीजिए इसमें कि दीज सॉरी ऊपर से पढ़ लेते एक बार कि यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट द स्ट्रेटजी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर पावर विंड पावर एल लिक्विड पेट्रोलियम गैस गोबर गैस इज रूलर एरियाज सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस इन अर्बन एरियाज एंड सोलर पावर थ्रू द फोटोवोलेटिक सेल्स आर सम ऑफ द स्ट्रेटर्जिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिस मैथड आर नॉट ओनली सस्टेनेबल बट दे आर आल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली दिस प्रैक्टिस रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन तो इनका मतलब यही है कि हमें जो भी मतलब वन कट वन जो काटे जा रहे हैं और जो मतलब पॉल्यूशन फैला जा रहा है उसको हम कम करेंगे तो ये सारे जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये कैसे हैं इको फ्रेंडली है तो इनकी ये यह, यहाँ पर ये यह काम करेगा एस टी जी तो कंसीडर द फ्लोइंग रीजन एंड चूज द करेक्ट कर डेवलपमेंट द इग्नोर इट्स रिप्रकर्शन ऑन एनवायरमेंट विल डिस्ट्रॉय द इनवायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म्स इन्वायरमेंट एंड एकमी आर इंटरडिपेंडेंट नीड इच अदर ठीक है बिल्कुल क्या है ये ठीक है दोनों के दोनों और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी करते तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये था आपका थर्टी हाँ थर्टी को यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है हिंदी में देखो इसको कि निम्नलिखित कथन मतलब कारण और वो प्रभाव दिए हुए हैं और विकास पर्यावरण के नतीजों को नजरअंदाज करता है उसे नष्ट कर देगा पर्यावरण को जीवन जीवन रूपों को बनाए रखता है यानी कि पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन को बनाए रखता है पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड यदि हम विकास की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है क्या होगा हमें मतलब इन्वायरमेंट को गवाना पड़ेगा तो हमें इस तरीके से काम करना है कि हमारा डेवलपमेंट भी हो लेकिन इन्वायरमेंट भी बचा रहे उसके बाद आता है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडोप्टेड बाई यूनाइटेड नेशन ठीक है तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन no है नो पॉवर्टी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बातें नहीं की जा रही है इसमें ठीक है ना तो कितना है इसके अंदर सत्रह गोल्स हैं यूनाइट नेशन जनरल फॉर्मूला अडॉप्टेड ये एजेंडा हमारा 2030 तक का और दो सितंबर दो हजार पंद्रह महीने इसको स्टार्ट किया है इसमें सत्रह गोल 169 जो है वो हमारे टारगेट्स हैं तो ये सारे ये इसमें इसके अंदर ही बताए हुए हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और क्या इंक्लूड नहीं करते तो ये हाँ आपके क्वेश्चन राउंड ऑफ कितने ही है थर्टी वन अब इसके बाद हम करते हैं एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एच डी डेवलपमेंट इंडेक्स